हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट के एक और वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता होगा एमएस वर्ड के एमसीक्यूज हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर मैं फिर से आ चुका हूँ, क्लास नंबर 49। जी हाँ फ्रेंड, इससे पहले हमने कुछ क्लासेस ली हैं, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो जाकर वीडियो वॉच कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्लासेस हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट नोट, यानी कि हिंदी के भी टेस्ट सीरीज और इंग्लिश के भी टेस्ट सीरीज हमने शेयर कर दिए हैं, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। लगभग 1000 लोग टेलीग्राम पर ऐड हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर लगभग 300 या 400 लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। आप लोग भी जाइए, डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में ओपन सोर्स ग्रुप भी बनाया गया है टेलीग्राम को, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। 100 एबव लोग वहाँ पर भी ज्वाइन है, आपस में आप लोग बातचीत कीजिए। नई वैकेंसीज़ की जुड़ी सूचना वहाँ पर दी जाती है टेलीग्राम पर भी, नई वैकेंसी से जुड़ी और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स और साथ में न्यूज़ अपडेट आप लोगों को वहाँ पर शेयर किया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल PDF पर, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के। तो चलिए आपको ले चलते हैं PDF पर। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, 151 से यहाँ पर स्टार्टिंग करना, क्योंकि इससे पहले जो भी क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हैं हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप मिस ना कर पाएँ। तो आप लोग देख पा रहे हो 151 नंबर के क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि द अदर कॉल हैज आर इनएक्टिव When you we select 3 columns, how will you active those boxes? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी होगा, रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आप लोग देख पा रहे हो 152 का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइड बिटवीन कॉलम्स, कॉलम्स के बीच में मिनिमम कितना स्पेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 0 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं 153 की, टू ओपन कॉलम डायलॉग्स बॉक्स क्विकली, क्विकली ओपन कॉलम डायलॉग्स बॉक्स कैसे ओपन करोगे, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया आर रूलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 154 नंबर के क्वेश्चंस पर दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल्स मीनू, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑटो टेस्ट होगा। जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑटो टेस्ट होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल्स मीनू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं 155, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स से, तो टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसकी यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हो इसका जो राइट आंसर सी होगा, बोथ एबव। ठीक, बोथ एबव, ऑफ एबव, इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। ठीक, यानी कि जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं ए और बी, पेज डाउन और पेज अप। ठीक, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की मदद से आप टू मूव द कर्सर पेज टू पेज को ऊपर नीचे करके देख सकते हो कर्सर की मदद से। ठीक, और उसके बाद आप लोग एक बार 156 नंबर पर दिया गया है, टेस्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड आर हिडन फ्रॉम, जो टेस्ट बाउंड्री होती है कैन बी डिस्प्लेड, देख भी सकते हैं और हिडन भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन फ्रॉम टूल्स मीनू की मदद से। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन फ्रॉम टूल्स मीनू होगा। फ्रेंड्स, ये एमएस वर्ड की लास्ट क्लासेस हैं, इसके बाद एमएस वर्ड की क्लासेस नहीं चलेंगी, यानी कि इंग्लिश की क्लासेस नहीं चलेंगी, हिंदी की क्लासेस हम आपको चलाएंगे। ठीक, हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपका एग्जाम भी अब समाप्त होने वाला है। अब आप लोग देख पा रहे हैं 157 नंबर पर दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो ऑल द अबव, यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से फॉलो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, दिया गया 158 पर, एम एस ऑफिस प्रोवाइड हेल्प इन मैनी वेज, व्हिच ऑफ दीज इज वन ऑफ देम, इसमें से वन ऑफ द देम आप कौन सा है, तो ऑल द अबव सभी यहाँ पर दिए गए हैं। व्हाट इज दिस ऑफिस असिस्टेंस हेल्प मीनू, तो एम एस ऑफिस प्रोवाइड हेल्प इन मैनी वेज, बहुत सारे इसके वेज हैं, व्हिच ऑफ दीज इज वन ऑफ देम, इनमें से एक बताइए, तो ऑल द अबव सारे के सारे वेज एम एस ऑफिस में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं 159 पर, कि यू विस्ट टू जस्टिफाई टेस्ट ओवर द हाई ऑफ पावर, व्हिच ऑप्शंस विल यू चूज, तो यहां पर पेज सेटअप फ्रॉम फाइल मीनू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर दिया गया है 160 पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मैसेज प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, यहाँ पर मर्ज प्रोसेस है, माफ़ कीजिएगा मैंने मैसेज पढ़ लिया,
तो यहाँ पर जो मर्ज प्रोसेस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फॉलो नहीं करता है, तो सॉर्ट द डाटा सोर्स रिकॉर्ड, सॉर्ट द डाटा सोर्स रिकॉर्ड जो कि मर्ज प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 161 पर, कि देयर कैन बी मेनी वेज टू इंसर्ट पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट्स। देयर कैन बी मैनी वेज टू इंसर्ट पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स यू इंसर्ट पेज नंबर। तो इसका पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मीनू, ठीक, पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मीनू इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 162 पर, कि व्हिच इज नॉट डाटा सोर्स कंपोनेंट, व्हिच इज नॉट डाटा सोर्स कंपोनेंट, इसका राइट आंसर मेल मर्ज टूल बार होगा, ठीक, मेल मर्ज टूल बार इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफिस सूट, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फाइल मैनेजर। जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर यहाँ पर डी है, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 164 की ओर, कि वेयर कैन यू फाइंड द ड्रा टेबल टूल बटन। तो वेयर कैन यू फाइंड द ड्रा टेबल टूल बटन, इसका राइट आंसर डी होगा, टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 165 पर, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मीनू इज़ यूज टू क्लोज IMS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो क्लोज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्लोज बटन से आप लोग क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट कॉलम ब्रेकिंग करेंट कॉलम राइट एट द कर्सर पोजिशन, हाउ कैन यू ब्रेक कॉलम, कॉलम को कैसे ब्रेक करोगे और नेक्स्ट कॉलम में कैसे आप जंप करोगे। तो यहाँ पर दिया गया ब्रेक कमांड फ्राम इंसर्ट मीनू, ठीक, ब्रेक कमांड फ्राम इंसर्ट मीनू के मदद से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 167 पर, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आउट लाइन इम्बोस और इनग्रेव आर नो एज, तो फॉन्ट इफेक्ट इसे क्या जानेंगे, किस नाम से, फॉन्ट इफेक्ट के नाम से जानेंगे, इसका राइट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 168 पर, कि शिमर आप लोग देख पा रहे हो, शिमर स्पार्कल टेस्ट, शिमर स्पार्कल टेस्ट और ब्लिंकिंग बैकग्राउंड ETC आर नो एज, तो टेस्ट इफेक्ट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक, टेस्ट इफेक्ट। PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए अच्छे से। 169 पर दिया गया है, द फीचर ऑफ वर्ड दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सर्टेन कंबाइनेशन ऑफ करेक्टर्स सो दैट एन इंटायर वर्ड लुक्स मोर और इवेनली स्पेस्ड, व्हाट इज़ द फीचर कॉल्ड, उसे कौन सा फीचर कहते हैं, तो कार्निंग। जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर कार्निंग होगा, उसे कार्निंग फीचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 170 पर, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर जो कि अवेलेबल फॉन्ट स्पेसिंग को क्या है कि अवेलेबल नहीं होता है, तो लूजली। जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर यहाँ पर लूजली होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 171 की ओर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट्स ऑन MS वर्ड, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सेंट्रेट, ठीक। Which of the following position is not available, नहीं है available for fonts fonts के लिए on MS Word पर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख पा रहे हो सेंट्रेड होगा D, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स, इसका राइट आंसर 200 होगा, ठीक, 200 इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर नो एच, तो बोल्ड इटैलिक और रेगुलर का क्या जानते हैं हम, तो फॉन्ट स्टाइल के नाम से जानते हैं, ठीक, इसे फॉन्ट स्टाइल भी कहते हैं, इसका राइट आंसर फॉन्ट स्टाइल होगा। जो भी आप ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से फॉन्ट स्टाइल यहां पर राइट होगा। 175 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। 174 पर बढ़ते हैं, कि अपर केस ऑन चेंज केस डायलॉग्स बॉक्स एंड ऑल कैप्स ऑफ फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स बोथ कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट इंटू कैपिटल लेटर्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, इनमें से कौन सा मतलब डिफरेंट है पूछ रहा है बीचों में, इनके बीच में, तो सी ऑप्शन सही है, कि चेंज केस मेक्स कन्वर्जन परमानेंट बट ऑल कैप्स ऑन फॉन्ट कैन ऑलवेज बी रिवर्टेड, ठीक। ये दो परमानेंट चेंज करने का और बार बार आक्स करने का, यहाँ पर जो राइट आंसर सी है, इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, ठीक। 174 का वीडियो को पोस्ट करके आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी। आई होप सभी आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहे होंगे। अब बढ़ते हैं 175 की ओर, कि इफ यू नीड टू हाइड सम पैराग्राफ्स हाउ यू कैन डू इट, इसका राइट आंसर यहां पर बी होगा, फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रॉम
फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 2010। अगर यहाँ पर आपसे अभी आपको लेटेस्ट 2016 भी आ गया है, ठीक, तो लेटेस्ट तो आता रहता है यहाँ पर, लेटेस्ट जो ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है, 2010 दिया है कि 2016 दिया है कि 2017 दिया गया है, 2007 दिया गया है, क्या दिया गया, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। फिलहाल यहाँ पर 2010 दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे लेटेस्ट 2010 ही है, ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, दिया गया है कि चेंजिंग द अपेरियंस, आप लोग देख पा रहे हैं अपेरियंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड तो फॉर्मेटिंग। ठीक, क्या कहेंगे उसको, फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, इन अ डॉक्यूमेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 63 होगा, यानी कि 63। द इन अ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 179 पर दिया गया है यू कैन डिलीट स्पेलिंग एंड ग्रामर इरर्स बाय तो ये प्रेस F7। ठीक, यू कैन डिलीट स्पेलिंग एंड ग्रामर इरर्स बाय, तो जो इरर्स बाय होती है स्पेलिंग और ग्रामर की, उसको डिलीट करोगे किससे, F7। इसकी राइट यहाँ पर आंसर होगा F7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 180 यहाँ पर दिया गया है कि स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड दैट इज़ यूजली लोकेट बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शन इज, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मीनू बार होगा। ठीक, स्क्रीन एलिमेंट, जो स्क्रीन पर एलिमेंट दिखते हैं आप एमएस वर्ड के, दैट इज़ यूजली यूज होते हैं लोकेटेड बिलो जो दिए होते हैं नीचे द टाइटल बार, टाइटल बार के दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज ऑप्शन, जो कि कैटेगराइज ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन देंगे उनमें से उसको क्या बोलते हैं, तो मीनू बार यहाँ पर बोलेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल हमने आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए, यानी कि जो आपके 50-50 क्वेश्चंस के जो हम आपको क्लासेस चला रहे थे, तो टोटल 180 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर दिए गए एमएस वर्ड की, जो भी क्लासेस हमने चलाई, टोटल 4 क्लासेस ली, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस ही थे फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं थे, फिर भी हमने आपका 180 क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल कंप्लीट किए हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जो कि पहले पिछली क्लासेस में हमने कंप्लीट किए हैं, आप पिछली क्लासेस जाकर देख सकते हो, टोटल 49 क्लासेस में ले चुका हूँ और हिंदी में भी क्लासेस लिया हूँ, और स्पेशल शॉर्ट की भी हमने बताया हूं, अगर आपको सर्ट की नहीं पता है, 2016 वर्जन की स्पेशल सर्ट की क्लासेस हमने चलाया है, एमएस वर्ड की 3 क्लासेस हैं, एक्सेल की 3 क्लासेस हैं और पावर पॉइंट की 2 क्लासेस हैं, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उन क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट सर्ट की हैं, जो भी सर्ट की आपसे पूछी जाएंगी 2016 वर्जन से आपके डीओ एग्जाम में, सारी की सारी सर्ट की वहां पर शामिल कर दी गई, यानी कि सारी की सारी सर्ट की ही शामिल कर दी गई हैं, तो अदरवाइज सर्ट की कहां से ही आने वाली है। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।